इस बीच खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां आतंकी कमरों जुमा का बड़ा खुलासा हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन के निशाने पर आरएसएस ऑफिस असम के होजाई में स्थित नॉर्थ ईस्ट केंद्र गीता आश्रम भी निशाने पर था। कमरों जुमा की निशानदेही पर असम पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। असम पुलिस ने हिजबुल के नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े 8 लोगों को अरेस्ट भी किया है। सभी लोगों पर हिजबुल मॉड्यूल को हथियार देने के आरोप है। वहीं पुलिस ने आर्म्स डीलर अभिमन्यु चौहान को भी गिरफ्तार किया है। कानपुर में किराए के घर पर 2 लोगों का आना जाना होता था। मकान मालिक उजियारी लाल यादव से मकान दिलाने में उसकी मदद की थी। एटीएस और कानपुर पुलिस ने आतंकी कमरों जुमा को गिरफ्तार किया था, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है और परत दर परत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हिजबुल का सक्रिय सदस्य है आतंकी कमरों जुमा। अप्रैल 2017 में आतंकी कमरों जुमा ने ट्रेनिंग ली थी। ओसामा नामक व्यक्ति के साथ किश्तवाड़ में ट्रेनिंग ली थी, प्रशिक्षित हुआ था। सोशल मीडिया पर AK-47 लेकर एक फोटो खींची थी, जिसके जरिए वो पकड़ में आ गया था और अब लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। तमाम खुलासे हो रहे हैं, उसके साथियों के बारे में भी पता चल पा रहा है, कौन कौन सी बड़ी साजिश उन्होंने की थी उसके भी खुलासे हो रहे हैं। तो हिजबुल का सक्रिय सदस्य है आतंकी कमरों जुमा।